ऑल राइट गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल एस इंग्लिश मेरा नाम है उदिशा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की पता नहीं कौन सी क्लास क्योंकि डेली शाम सात बजे आप लोगों को ये क्लासेस मिलती हैं और मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूँ यार एक बार शेयर कर दिया करिए आप लोगों ने इतने टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं हर इंस्टाग्राम ग्रुप में आप हैं आप हर जगह विजिबल होते हो तो जरूर से शेयर कर दिया करो और जिन्होंने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गो हेर एंड सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स को आपकी वोकैबलरी पर काम करने के लिए लेकिन जितने भी मेरे दोस्त मित्र हैं जो कि अपने करियर को लेकर के थोड़े चिंतित हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि यार अब मुझे कौन सी नौकरी करनी है क्या करना है किस दिशा में जाना है या जो नौकरी मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है तो उन सबके लिए एक बहुत ही सॉलिड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार लेकर के हम आए हैं जो कि ऑनलाइन होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन इसमें कोड लगा लेना तब ये फ्री मिल जाएगी ठीक है फ्री ये कोड है और ये हो रही है 13th अगस्त को आप लोगों के सामने शाम को छ बजे होगी और यूट्यूब पर नहीं होगी जूम पर होगी इसमें बिना रजिस्टर कराए आप नहीं आ पाएंगे तो इसका एक लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे लगा दिया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों तो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं अप जागना आप जब भी कहते हैं कि मुझे सुबह छः बजे जागना है आई हैव टू अप एट

अवेक इस तरह से आप बोल सकते हैं मूविंग ऑन एवरी वन ब्रश टीथ दांत साफ करना दांत साफ करना आप हिंदी में क्या बोलते हैं भाई कि हमें अपने दांत साफ करना है तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे ब्रश योर टीथ अपने दांत साफ करो जाकर ब्रश योर टीथ और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे आप आई ब्रश माई मैं जागने के बाद अपने दांत साफ करता हूँ जल्दी -जल्दी देखो ठंडियों में जब खूब ठंड पड़ती है तो हम सब के परिवार में रिवाज होता है कोई आंगन में धूप निकलते बैठता है कोई छत पे जाता है कोई बाग में बैठता है जहां भी धूप अच्छी आ रही है है ना तो धूप सेकना की अंग्रेजी सन बात मत बोलिएगा सन वेद होती है ही इज सन बेदिंग शी इज सन बेदिंग आई लव टू सन बेद ऑन द बीच जी हाँ जो लोग बीचज पे घूमने जाते हैं वो भी कई बार समुद्र क्योंकि ठंडा रहता है हवा चलती होती है तो कई बार धूप के बस समुद्र के किनारे धूप के अंदर लोगों को लेटना पसंद है uh, देखो क्या होता है ना ये ट्रेंड एक्चुअली uh, बहुत वेस्टर्न है वेस्टर्न इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो uh, ले अमेरिकन हैं यूरोपियंस हैं उनका बहुत वाइट कॉम्प्लेक्शन होता है एंड वाइट एज एन वेरी लाइट कॉम्प्लेक्शन ठीक है और वो पता नहीं क्यों ऐसा पसंद करते हैं दे वॉन्ट टू लाइट इट डाउन वट एवर दैट्स देयर विश तो नेचुरल तरीके से अपने कॉम्प्लेक्शन को बैलेंस करने के लिए लोग अक्सर जाकर के सन बेदे करते हैं ठीक है थीके? तीसरी चीज दिस इज वेरी गुड योर हेल्थ आल्सो धूप का आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव होता है सबको पता है विटामिन डी का डायरेक्ट सोर्स होता है तो धूप तो सब लोग खाते हैं तो और एज आई एक्सप्लेन प्लेजेंट भी होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ओके सम प्रॉब्लम विदो फिर नहाना मैं नहाने जा रहा हूं आई एम गोइंग टू टेक अ शार शार क्यों बोलते हैं शावर नहीं बोलना है क्या बोलना है शार बोलना है, शार so, मैं नहाने जा रहा हूं आई एम गोइंग टू टेक अ शार प्लीज रिमेंबर कि आप नहाने के लिए ही इसे यूज करिएगा बिकॉज हर वॉशरूम में शार होता है जब शार चला के नहाते हैं तो उसी को बोलते हैं आई एम टेकिंग अ शार बेसिकली आई एम नहाइंग मैं नहा रहा हूं <laughs> चलिए ओके okay. जितने भी लोग यहाँ पर हैं आपको लग रहा होगा कि मैम आज इतनी बेसिक इतनी सिंपल क्लास क्यों क्योंकि यार देखो आ, अलग अलग तरीके के ऑडियंस आते हैं चैनल पे किसी की डिमांड दिवा, होती है बिल्कुल एडवांस पढ़ा दीजिए किसी की डिमांड होती है शुरू से पढ़ाइए सो आई एम कीपिंग इट अ मिक्स आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें यह भी पता है कि अगर वो अपने टाइम पर अपने हिसाब से बैठ करके रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बैच भी अवेलेबल है बैच का नाम है कल इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अपना कोड वाई यूज कर लीजिए आपको मिल जाएगा ये सिर्फ 552 रुपीस में और इसे पूरा करने पे आपको मिलता है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है ठीक है अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तैयार होना कि कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ या मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ तो तैयार होने की अंग्रेजी होती है टू गेट ड्रेस्ड टू गेट ड्रेस्ड मैं कहूंगी कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हूं आईव गॉटन ड्रेस्ट फॉर ऑफिस मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूं आई एम गोइंग टू गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस इस तरह से बोलते हैं और Uh, I get dressed for work in the morning. मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ uh, तो उस तम, समय कॉल मत करना लेट्स कनेक्ट इन द इवनिंग इस तरह से हम बात करते हैं राइट गाइज मूविंग ऑन एवरीबडी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नाश्ता बनाना नाश्ता पकाना या बनाना यू से कुक ब्रेकफेस्ट सो आई एम कुकिंग ब्रेकफेस्ट फॉर माई फैमिली और आई कुक ब्रेकफेस्ट बिफोर हेरिंग टू वर्क मैं घर सॉरी ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाता हूँ बनाती हूँ uh, ओके okay, ब्रेकफास्ट खाने की यहाँ पर बात हो रही है नाश्ता करना सो आई टेक ब्रेकफास्ट आई ईट ब्रेकफास्ट आई हैव ब्रेकफास्ट बिफोर आई लीव फॉर वर्क तो हैव टेक ईट आप तीनों में से जो पसंद करते हैं वो बोल सकते हैं नाश्ता करने के लिए आई हैव ब्रेकफास्ट एट एट थर्टी ए एम मैं सुबह साढ़े आठ बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ सो आई हैव ब्रेकफास्ट एट एट थर्टी ए एम नेक्स्ट बागवानी करना जो कि आप कभी हिंदी में नहीं बोलते हैं अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखना गार्डन का ध्यान रखना सफाई करना एंड ऑल दैट तो इन जनरल पेड़ पौधों का ध्यान गार्डन की और साफ सफाई एटसेट्रा इस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं बागवानी करना अंग्रेजी में कहते हैं गार्डनिंग एवरी नेक्स्ट यू सी आई एंजॉय गार्डनिंग ऑन सनी डेज हाँ ठीक है जहां पर ठंडा रहता है मौसम उन लोगों को सनी uh, डेज में बागवानी करना पसंद होता है वी इंजॉय गार्डनिंग आई थिंक मैक्सिमम इन द रेनी टाइम पे हम घर से बाहर निकल सकते हैं गेस खैर तो मुझे धूप वाले दिनों में बागवानी करना अच्छा लगता है धूप वाले दिनों की अंग्रेजी सनी डेज है मूविंग ऑन एवरी आना जाना uh, मैं जब आप किसी भी एक निश्चित रास्ते पर रोज आते जाते हैं ठीक है मेरा तो रोज आना जाना है यहाँ से दिल्ली दिल्ली से यहाँ तो क्या बोलते हैं उस आने जाने को टू कम्यूट मैं बस से ऑफिस आता जाता हूं आई कम्यूट टू वर्क बाय बस आई कम्यूट टू वर्क बाय बस कम्यूट क्यों बोला क्योंकि आना जाना हम आते हैं यहां पर यहां से वापस भी जाते हैं यहां रह नहीं जाते हैं सो आई कम्यूट टू वर्क बाय बस और जब भी तुम कोई ऐसी जगह की बात करना जहां तुम जाते हो पर फिर लौट के आ जाते हो उसके लिए तुम भी कम्यूट शब्द का यूज करना अब यहाँ क्या चल रहा है ये गाने सुन रही हैं पॉडकास्ट सुन रही है पॉडकास्ट सुनना हो जाए गाने सुनना हो जाए भजन सुनना हो जाए तो बेसिकली लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट सो शी इज़ लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट अगर आप अपनी अंग्रेजी अच्छी करना चाहते हैं तो यू शुड लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट क्या कहते हैं लिसन टू पॉडकास्ट पॉडकास्ट क्या होता है बेसिकली देखो होता तो ये है कि आ, सफल व्यक्तित्व वाले लोगों व्यक्तित्व सफल व्यक्तियों को बुलाया जाता है आ, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग तरीके टिप्स ये जाने जाते जाना जाता है कि भाई कैसे ये हासिल किया जाए कैसे ऐसा बना जाए अब मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में थोड़ा सा ये बदल रहा है आजकल तो हर बंदा पॉडकास्ट कर ले रहा है किसी को बुला के बैठा लो कुछ भी डिस्कस कर लो बेसिकली भाई देखो सफलता की भी एक डेफिनेशन होनी चाहिए ना अब तुम बुला के वहाँ पे भूत प्रेत डिस्कस कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो भूत बनना चाह रहा है भूत बनने की स्ट्रैटेजी बता दो फिर वहीं पे कुछ लोग हैं जो बैठ के ये बता रहे हैं कि वो तो स्प्लिट्स विला में क्या हुआ है एम टी वी रोडीज में क्या हुआ दैट्स नॉट समथिंग इज गोइंग टू बेनिफिट पीपल सो पॉडकास्ट का जो आइडिया था वो ये था कि एनरिचिंग चीज़ें पहुंचाई जाएँ लोगों तक अभी एक और नया ट्रेंड आया है वो हाथ पे चार लिख लो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े चार सौ बीस हो जाओगे वो नंबर लिखना पता नहीं क्या क्या आला बाला सिखाते रहते हैं ठीक है आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब अगर आप देखो ना तो एक समाज के रूप में हम सब बहुत सेल्फिश हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड है कोई ये नहीं सोच रहा कि यार जो मैं कर रही हूँ जो मैं कर रहा हूं इसका प्रभाव मेरी सोसाइटी पे पड़ेगा बारह चौदह साल के बच्चों के पास फोन है वो उठा के कुछ भी देख रहे हैं कुछ भी बन रहे हैं कल की न्यूज में पढ़ रही थी यार बच्चों ने किसी तरीके से वो बॉम्ब टाइप की कोई चीज वो यूट्यूब वीडियो देख के बनाया और ब्लास्ट हो गया और सबके चोट चपेट लग गई थी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब तो ये तो फिर तो पता है ना कि इससे क्या होगा आगे चल के समाज ही नुकसान में जाएगा तो खैर आप अपने घर का ध्यान रखें तो पॉडकास्ट भी भैया चुनिंदा देखो काम करना वर्क आई वर्क फ्रॉम नाइन ए एम टू फाइव पी एम मैं सुबह पांच बजे से शाम नौ बजे <laughs> मैंने उल्टा बोल दिया और मैं खुद डर गई तो खैर मैं सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम करती हूं करता हूं नेक्स्ट अगेन अ रिमाइंडर आपका कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का बैच है रिकॉर्डेड है प्राइस सिर्फ फाइव फिफ्टी टू रुपीज़ है इसका लिंक भी वीडियो के नीचे है डिस्काउंट कोड वाई वन सिक्स नाइन है कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है आगे अरे वापस आ गए हम तो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थित करना अपना कमरा थोड़ा सा व्यवस्थित कर लो ऑर्गेनाइज योर रूम लिटिल बिट ठीक से चीजें संभाल के रख लो ऑर्गेनाइज योर सेल्फल बिटा थोड़ा व्यवस्थित होकर के रहो कैसे जिंदगी बिखरी हुई है कभी गाड़ी में सो जा रहे हो कभी किसी होटल में रुक रहे हो कभी धर्मशाला में रुक ठीक से घर ले लो ठीक से रहो ना ऑर्गेनाइज योर सेल्फ ऑर्गेनाइज योर लाइफ व्यवस्थित कर लेना या व्यवस्था करना यू से समथिंग लाइक एनी वे आई ऑर्गेनाइज माई डेस्क बिफोर स्टार्टिंग वर्क मैं काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क व्यवस्थित करता हूँ एंड एवरी वन द लास्ट

आई थेक लंच ब्रेक इट इज़ एनी वे यूनिक लगाने की जरूरत नहीं है मैं दोपहर एक बजे लंच ब्रेक लेता हूँ एंड दिस इज़ वेर आई एम गोइंग टू वाइंड अप योर क्लास लेकिन ये छोटे छोटे फ्रेजेज जो हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं मैं आपको कई बार ये सुझाव दे चुकी हूँ आई हैव गि दिस सजेशन टू ऑल ऑफ यू मैनी टाइम्स दैट यू नीड टू स्टार्ट रिप्लेसिंग वन वर्ड ऑफ हिंदी और वन वर्ड ऑफ योर मदर टंग विद वन वर्ड ऑफ इंग्लिश जस्ट

और टाइम भी हमने इसका इवनिंग में रखा है तो कोई ऐसा सच आपका आप बिज़ी नहीं हो सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार थर्टींथ ऑगस्ट को हो रही है इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है तो उस पर क्लिक करना और उसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना उसमें ये कोड लगा देना फ्री ठीक है सो यू कैन जॉइन आर वेबिनार थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीबडी कीप शाइनिंग एस यू बेस्ट मोरो बाय